और आइए रुख करते हैं उस कार्यक्रम का जिसे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान संबोधित कर रहे हैं। तय किया कि इस अहंकारी सत्ता को मैं अब मध्य प्रदेश की धरती पर चलने नहीं दूंगी। जब कई राजे महाराजे झुक गए तब राजमाता जी ने कहा कि अब ये कांग्रेस की सरकार नहीं चलेगी, और राजमाता जी ने हुंकार भरी, कांग्रेस तोड़ दी, कांग्रेस की सरकार गिरा दी और पहली बार संबित की सरकारें बनी, जनसंघ पहली बार सत्ता में आया। और फिर केवल सत्ता के लिए काम नहीं किया, संगठन के लिए संघर्ष, गांव गांव जाना, अलग जगाना, जागरण का मंत्र फूंकना और जनता के प्रति प्रेम और स्नेह, ऐसा तो 1971 में भयानक बाढ़ आई, माया जी को याद होगी, नर्मदा जी में होशंगाबाद डूब गया था, हमारे गांव जैत वगैरह बिल्कुल साफ हो गए थे। जैत के पास बीसाखेड़ी गांव था, 21 लोग एक गांव के मेरे चाचा परिवार के थे, 21 लोग डूब के समाप्त हो गए थे। जगह जगह बाढ़ ने ऐसा कहर ढाया, मेरे गांव जैत में भी 3 लोगों की मृत्यु हुई थी, डूब गए थे। रात में इतनी तेजी से पानी आया कि पता नहीं चला घरों में घुसा, और गांव के गांव तबाह हो गए थे। सरकार नहीं पहुंची, राजमाता जी अनाज, कंबल, साड़ियां, कपड़े लेके, बर्तन लेके जनता की सेवा करने में जुट गई। वो राजमाता नहीं, लोकमाता थी, इसलिए थी, इसलिए लोग दिल से सम्मान करते थे। सरकारी सहायता बाद में, पहले राजमाता जी पहुंची। और केवल एक बेटे की मां नहीं थी, मुझे उनके साथ काम करने का सौभाग्य मिला है। लाखों लाख भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की, युवा मोर्चे के, हम तो बच्चे थे उस समय, हम सबकी मां थी राजमाता जी। सबको स्नेह करती थी, सबको प्रेम करती थी। और जब आपातकाल की बात आई, तब जब कई लोगों ने समर्पण कर दिया, राजमाता जी ने कहा कि अहंकारी सत्ता के खिलाफ, अन्याय के खिलाफ, अत्याचार के खिलाफ डट के लड़ूंगी। महलों में रहने वाली राजमाता जी जेल में भेज दी गई। और अब तक ये आपको बता रहे थे, सामान्य वैरिक में अपराधियों के फूफार, अपराधियों के साथ राजमाता जी रखी गई, इसलिए घबरा जाए और घबरा घबरू के कहीं माफी मांग ले और कहे कि मैं भी 20 सूत्री का समर्थन करती हूं। लेकिन राजमाता जी ने कह दिया, टूट सकती हूं लेकिन झुक नहीं सकती किसी भी की ओर। भयानक जेल की यंत्रणाएं सही, यातनाएं सही, और जेल से निकल के फिर जनता पार्टी का काम किया, भारतीय जनसंघ को गांव गांव में मजबूत किया, जन समर्थन जुटाया। उनका योगदान अतुलनीय है, पार्टी और विचारधारा के लिए प्रिय से प्रिय वस्तु उन्होंने त्याग दी, प्रिय लोग उन्होंने त्याग दिए। सचमुच में वो धन्य थे। मुझे तो उनके साथ बिताए हुए कई पल याद आते। मैं छोटा कार्यकर्ता था, मुझे कहा कि राजमाता जी की सभाओं के पहले सभा जमाना है, तो आगे आगे चले जाओ तुम। तब मैं बीडी विद्यार्थी परिषद में ही था, लेकिन कहा कि अब यहां मैं चुनाव उनाव में भी खूब काम करता था, तो कहा कि बेगमगंज ये बैठी हमारी बहन जी सुमन जी चंपा जी, तो गैरतगंज बेगमगंज में सभाएं,
जो मैंने अलग अलग स्थान बताए, मैं पहले जाके भाषण देने लगता था ताकि राजमाता जी जब आए तो थोड़ा व्यवस्थित सभा स्थल मिल जाए। अब मेरे जैसे कार्यकर्ता की कोई अहमियत नहीं थी उस समय, लेकिन जब राजमाता जी मंच पर बोलती थी तो बड़े प्यार प्रेम से मेरा नाम भी लेती थी, कभी नहीं भूली वो नाम। सचमुच में बेटा मानती। जब मेरी सगाई हुई तब वो आई, शादी के तत्काल बाद आई और एक दुर्लभ फोटो है कार्तिकेय और साधना के साथ मेरे कार्तिकेय को गोद में लेके खिलाते हुए। हर एक कार्यकर्ता को प्यार करती। मैं तब मुख्यमंत्री नहीं था, ये मैं सोचता कि मुख्यमंत्री, मैं तब नहीं था मुख्यमंत्री। बहुत सहज, बहुत सरल विचारों के प्रति प्रतिबद्ध। सरस्वती शिशु मंदिर, विद्या भारती, जरूरत पड़ी कहां लगेगा उनका ये राजमहल पड़ा हुआ। संपत्ति दान कर दी, पार्टी को चलाने में भी कोई कसर नहीं छोड़ी। एक बात और, आप में से कई को याद होगी, कई को नहीं पता होगी, उनको राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाने का फैसला किया भारतीय जनता पार्टी का। अटल जी अडवाणी जी ने आग्रह किया कि राजमाता जी अध्यक्षता आप स्वीकार करें। राजमाता जी ने कहा मुझे अध्यक्ष नहीं रहना, और कोई को बना, मैं पीछे से काम करूंगा। मंडल अध्यक्ष नहीं छोड़ पाते लोग, राष्ट्रीय अध्यक्ष का क्या, नहीं मुझे नहीं बनना, मैं पीछे से काम करूं। लोकप्रिय ऐसी थी कि एक क्षेत्र से लगातार कई बार राजमाता जी का नाम काफी था, जाने वाने की जरूरत ही नहीं थी। में जब बांग्लादेश की विजय के बाद चुनाव हुए तो बाकी पार्टियां साफ हो गई थी, लेकिन राजमाता जी थी जनसंघ में। ग्वालियर से लेकर उज्जैन तक की 11 की 11 लोकसभा की सीटें राजमाता जी अपनी दम पे जिता के लेके आई। संघन था, मैं बोली कर रहा, लेकिन मैं तो लोकप्रियता की बात कर रहा हूं। जब तक सांस चली भारतीय जनता पार्टी और विचारधारा के लिए चली। आज वो बहुत प्रसन्न होती भारतीय जनता पार्टी के विशाल वट वृक्ष को देख के, अयोध्या में भगवान राम के मंदिर का निर्माण हो, कितनी तड़फ थी उनके दिल में। आज यहां होंगी बहुत प्रसन्न होगी, और इसलिए भी प्रसन्न होगी कि एक बार तो उनने कांग्रेस की सरकार तोड़ के गिराई थी, दोबारा बन गई अल्पमत की सरकार तो उसको उनके पोते ने उखाड़ के फेंकने में सहयोग। और अब पूरे ही खानदान इकट्ठा हो गया, एक ही पार्टी में आ गए। ये भी तसल्ली निश्चित तौर पर मिली होगी। ऐसी हमारे लाखों लाख कार्यकर्ताओं की मां के चरणों में मैं प्रणाम करता हूं। अंतिम सांस तक भारतीय जनता पार्टी का काम करती रही, विचारधारा के लिए लड़ती रही। आखिरी चुनाव तो अस्वस्थता ही में उन्होंने जीता, गईनी क्षेत्र में, केवल फार्म बिस्तर से भर दिया था। मेरी प्रिय बहनों, असली श्रद्धांजलि राजमाता जी को होगी उनके काम को आगे बढ़ाना। आज लंबी बात करने का अवसर नहीं है, लेकिन अनेकों काम करने हैं माया जी। कल पंख अभियान शुरू किया है। हमारा काम पार्टी के संगठन को बहनों में मजबूत करना है ही।
असली श्रद्धांजलि है योगी के गांव गांव में बहनों की ताकत खड़ी कर दो। अपार शक्ति है नारी में। सृजकता का भंडार है वो। नारी तू ही नारायणी। जीवन बहनों की क्षमता को पहचानने की है, बेटियों की क्षमता को पहचानने की, और पहचान में पार्टी के साथ साथ प्रदेश और राष्ट्र निर्माण के काम में लगाने की है। इतना विशाल क्षेत्र खुला पड़ा है, हर तरह की बहनें कैसे संगठन में आए। गरीब बस्तियों में रहने वाली मजदूरी करने वाली बहनों से लेके और इंडस्ट्री चलाने वाली बहनों तक, अलग अलग तरह की प्रतिभा की बेटियां जुड़े। भारतीय जनता पार्टी को तो मजबूत करना ही है, लेकिन महिला मोर्चे को सही अर्थों में महिला सशक्तिकरण के काम को पूरा करना। द्वयम दर्जे का नागरिक नहीं रहने देना नारी को। पुरुष और प्रकृति, नर और नारी, दोनों से सृष्टि बनती है। सृष्टि की उत्पत्ति मां की कोख से हुई। वो प्रेम है, वो दया है, वो करुणा है, वो स्नेह है, वो आत्मीयता है, वो ज्ञान है, वो भक्ति है, वो कर्म है, वो वीरता, साहस और शौर्य है। और सही शक्ति को कैसे काम में लगाएं? माया जी, पूरी टीम से मैं कहना चाहता हूं, इस शक्ति को पूरी ताकत से खड़ी करने की जरूरत है। महिला सेल्फ हेल्प ग्रुप चमत्कार कर रहे हैं, और मैं हर महीने उनसे संवाद करता हूं। 150 करोड़ रुपए हर महीने उनके खाते में जा रहे हैं। कोरोना काल में जो काम किया वो अद्भुत है बहनों ने। मास्क, सैनिटाइजर, पीपीई किट, अलग अलग चीजें बनाने की एक ताकत है। ये ताकत उसकी केवल शहरों में जरूरत नहीं, शहरों में तो कर नहीं है काम, इन गांव में भी घुसने की जरूरत है। इस ऐसी ताकत को पकड़ने की जरूरत है। पत्थर तोड़ने वाली बहन से लेके और हेलीकॉप्टर चलाने वाली बेटी तक तुम्हें जाना है। शासकीय योजनाओं का लाभ दिलवाना है। अब योजनाएं गिनाएं तो शाम हो जाएगी। कल मैं इतना खुश था, जिन बेटियों को मैंने 2007 में गोद में लाडली लक्ष्मी के प्रमाण पत्र दिए थे गोद में खिलाते हुए, वो 11वीं 12वीं में आ गई। मामा मामा कह के जब वो बोल रही थी, मेरी आंखों में आंसू आ गए। इस ताकत को संचित कर गरीब से गरीब बहन को योजनाओं का लाभ दिलाना, अत्याचार या अन्याय उसके खिलाफ जंग छेड़ना। अभी लड़ाई बहुत है, दुष्ट, आतताई, राक्षस सरकार कसम नहीं छोड़ेगी सजा देने। लेकिन तुम्हें पता है ऐसे भी हैं, एक पत्नी ने अपनी बेटी को लेके पति की रिपोर्ट कराई कि उसने अपनी बेटी के साथ दुराचार किया। विदिशा की घटना,
ऐसे राक्षस जिंदे हैं। आजीवन कारावास हो गया, छोड़ा नहीं हमने। कई बार लगता है तो फांसी के फंदों पर लटकनी चाहिए। लड़ाई और संघर्ष का लंबा रास्ता बेटी और बहनों को तय करना। भारतीय जनता पार्टी इस लड़ाई में पूरी ताकत से साथ है, सरकार साथ। एक के बाद एक कानून बना रहे, तुम्हें पता है 4000 बेटियां रिकवर करके लाए। कल दो बेटियां निकल गई तो उज्जैन से लाए, क्योंकि हमने निर्देश दिए कि मुस्कान कार्यक्रम बनाए कि बेटी की मुस्कान छिननी नहीं चाहिए, कहीं भटक गई है तो ढूंढ के लाओ। अगर अवांछित तत्वों के हाथ लग गए तो उनकी जिंदगी का क्या होगा। मैं तीखे नजर रखे हूं सब जगह, रोज पे पता करता हूं इंटेलिजेंस से। 14 साल की बेटी सिकंदराबाद से बरामद की, एक बेटी नेपाल में के बगल नूरगंज से लेके आए। कई कानून बनाए हमने, धर्म स्वातंत्र अधिनियम बनाया। लोभ लालच भय प्रलोभन बहका के फुसला के, और जो 14 साल की बेटी को ले जाता, 40 साल की एक और पहले से ही महिला उसके साथ रहती थी, क्या होता बेटी की जिंदगी का। फिर लड़ाई लड़नी है, हम लड़ेंगे। महिला मोर्चा इसमें महती भूमिका निभाए, और इसलिए मुझे पूरा विश्वास है जमीन से जुड़ी अध्यक्ष और हमारे कार्यकर्ता हैं, इसलिए जमीन से जुड़ के इन सब चीजों में लाभ कैसे मिले, अन्याय के खिलाफ कैसे लड़े। क्या महिला मोर्चा ऐसा सेल नहीं बना सकता जो ऐसी बेटियों का ध्यान रखे। गांव गांव में हम शौर्य दल बनाना चाहते हैं जिसमें बेटियां रहेंगी। महिला मोर्चा जुड़े और बनवाए शौर्य दल, बदमाशों पर नजर रखेंगे, गड़बड़ करने वालों को ठीक करेंगे, बाल विवाह नहीं होने देंगे। क्योंकि समझ नहीं और शादी कर दी, क्या होगा जिंदगी का। इसलिए मैंने कहा 18 की बजाय 21 साल क्यों नहीं होनी चाहिए शादी की। पूरी तरह से समझ विकसित हो जाए, अपना अच्छा बुरा सोचने लगे, तो सामाजिक मुद्दों पर भी काम करना है। मुझे पूरा विश्वास है कि जमीन से जुड़ के हम सही अर्थों में महिला का कल्याण कैसे कर सकते हैं। भारतीय जनता पार्टी इसके लिए है। प्रधानमंत्री जी कितना मानते बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान, एक में अनेकों योजनाएं, राज्य सरकार की योजना है, इनका लाभ दिलाते हुए संगठन को मजबूत करते हुए इन सबको जोड़ लो। क्यों 37 लाख लाडली लक्ष्मी बेटियों के परिवार बन से नहीं जुड़ना चाहिए, क्यों सेल्फ हेल्प ग्रुप बन से नहीं जुड़ना चाहिए, क्यों सौर्य दल अपन से नहीं जुड़ना चाहिए। अलग अलग कितने समूह है, ढूंढो बैठो, जो सहयोग चाहिए मिलेगा। तो सबको जोड़ के ऐसा मजबूत संगठन खड़ा कर दो कि दुनिया में एक मिसाल बन जाए कि महिला मोर्चा हो तो मध्यप्रदेश जैसा। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद भाई साहब। महिला मोर्चा की बहनें, आपकी हिम्मत से मध्य प्रदेश का नाम रोशन कर रही हैं भाई साहब। वो कहती हैं लड़ूंगी नहीं तो जीतूंगी कैसे, लड़ूंगी नहीं तो जीतूंगी कैसे, संघर्ष की साथी हूं रुकूंगी कैसे, कांटों का तो काम है रोकना, उनको पूछूंगी नहीं तो दौड़ूंगी कैसे। आदरणीय भाई साहब, जिन मध्य प्रदेश की बहनों के साथ आप जैसा भाई कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा है, वो हर क्षेत्र में साहसी नारी बनकर कार्य करेंगी। अब मैं आभार व्यक्त करने के लिए हमारी जिले के अध्यक्ष हंस कुमार दीदी को बुलाती हूँ कि वो आभार व्यक्त करें।
ठीक है।